नमस्ते स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। आज हम लोग नियोजित विकास की राजनीति को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड बिफोर इट टू मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। आज़ादी के समय, आज़ादी के जस्ट बाद भारत के पास जो है विकास की समस्या थी, तो उस विकास की समस्या के लिए यहाँ के जो डेवलपमेंट के लिए, मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर दो तरह के मॉडल पूरे विश्व में प्रचलित थे, वो इनके सामने थे। सबसे पहला मॉडल कौन सा था? फर्स्ट मॉडल इज लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, एज इन मच ऑफ यूरोप एंड यूएस, जो यूरोप और यूएस में चल रहे थे वो था लिबरल कैपिटलिस्ट का मॉडल, ठीक है, उदारवादी पूंजीवाद। सेकेंड वन इज सोशलिस्ट मॉडल एज इन यूएसएसआर, जो हमारे सोवियत संघ में चल रहा था वो सोशलिस्ट मॉडल था, वो सोशलिस्ट मॉडल भी इनके सामने थे। इन दोनों आइडियोलॉजी से आप भली भांति परिचित हैं। ये आइडियोलॉजी जो कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे, इन दोनों आइडियोलॉजी की वजह से ही कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, जो दो सुपर पावर के बीच में हुआ था, दो महाशक्तियों के बीच में। यहाँ के ज़्यादातर नेता जो किसका सपोर्ट कर रहे थे, ये सपोर्ट कर रहे थे इस वाले मॉडल का। वो मॉडल कौन सा था? वो था सोशलिस्ट मॉडल। देन इंडिया के बहुत सारे जो कम्युनिस्ट लीडर थे वो भी इसको सपोर्ट कर रहे थे, और जो सोशलिस्ट पार्टी के नेहरू जैसे लीडर थे वो भी इसको सपोर्ट कर रहे थे। कांग्रेस के भीतर कुछ ही लोग थे जो कैपिटलिस्ट मॉडल को डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट कर रहे थे। बट इंडिया डिड नॉट फॉलो एनी ऑफ द टू नोन पाथ्स ऑफ डेवलपमेंट। इट डिड नॉट एक्सेप्ट द कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। इन द डेवलपमेंट वॉज लेफ्ट एंटायरली टू द प्राइवेट सेक्टर। नॉट डिड इट फॉलो द सोशलिस्ट मॉडल इन विच प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज एबोलिस्ट एंड ऑल द प्रोडक्शन वॉज कंट्रोल्ड बाई द स्टेट। पर इंडिया जो है इनमें दोनों में से किसी भी पाथ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि एक में प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल इग्नोर किया गया था, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, और जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सबकी सब जो है वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होती थी, वो थी सोशलिस्ट मॉडल। सेकेंड में जो कैपिटलिस्ट मॉडल थी, इसके अंतर्गत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया गया था, तो इन दोनों मॉडल को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। देन क्या हुआ, एलिमेंट्स फ्रॉम दिस मॉडल टेकन एंड मिक्स टुगेदर इंडिया, डेट वॉज कॉल्ड द मिक्सड इकोनॉमी मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड एंड इंडस्ट्री वर इन द प्राइवेट हैंड्स। जो इन सबसे निकल के जो एक नया उसने इंडिया ने बनाया वो क्या था, मिक्सड इकोनॉमी मॉडल, उसे कहा गया मिक्सड इकोनॉमी मॉडल। मॉडल इन दोनों की जो भी कुछ एलिमेंट थे उनको लिया गया और वो बनाया गया, जिसमें एग्रीकल्चर और ट्रेड और इंडस्ट्री के अंदर प्राइवेट सेक्टर को जो है स्वीकार किया गया था। द स्टेट कंट्रोल की हैवी इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटेड ट्रेड एंड मेड सम क्रूशियल इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर। स्टेट जो है इसके अंतर्गत जो हैवी इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल कर रही थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम जो है किसका था, गवर्नमेंट का था, और गवर्नमेंट इनके लिए रूल और रेगुलेशन भी बना सकती थी। लेकिन आज़ादी से पहले की अगर बात करें तो आज़ादी से पहले ही जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने 1944 में एक ड्राफ्ट तैयार किया था, ज्वाइंट प्रपोजल, और एक प्लान इकोनॉमी की बात की थी, उसे कहा गया था क्या, बॉम्बे प्लान। द बॉम्बे प्लान वॉन्टेड द स्टेट टू टेक मेजर इनिशिएटिव्स इन इंडस्ट्रीज एंड अदर इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट। बॉम्बे प्लान के अंतर्गत ये था कि वो ऐसा उसमें मंशा थी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्री थी और इकोनॉमी थे उसमें इन्वेस्टमेंट की बात कौन करेगा, स्टेट करेगा उसमें इन्वेस्ट। प्लानिंग फॉर अबव वॉज द मोस्ट ऑबियस चॉइस फॉर द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। सून आफ्टर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट द प्लानिंग कमीशन केम इन टू बींग, द प्राइम मिनिस्टर वॉज इट्स चेयरपर्सन। इट बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड सेंट्रल मशीनरी फॉर डिसाइडिंग वॉट पाथ एंड स्ट्रेटेजी इंडिया वुड अडॉप्ट फॉर इट्स डेवलपमेंट। जल्दी क्या हुआ, भारत आज़ाद हो गया, और यहाँ पर एक प्लानिंग कमीशन जो है वो सेटअप की गई, और उसके चेयरपर्सन बने प्राइम मिनिस्टर। और ये जो मशीनरी थी, ये उसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था कि उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें होंगी वो विकास की, नियोजित विकास की जो है स्ट्रेटजी है उसको प्लान करेगी, उसके बारे में डिसाइड करेगी। अर्ली इनिशिएटिव, शुरुआती कदम इसके क्या रहे उस समय, इसकी बात अब हम करेंगे। एज इन द USSR द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्ट फॉर 5 ईयर्स प्लान। द
The idea is very simple. The government of India prepares a document that has a plan for all its income and expenditures for the next 5 years. तो सबसे पहले इसने USSR की तरह सोवियत संघ की तरह 5 years plan को adopt किया और यहाँ पर जो documents plan किए गए वो जो भी चीज़ें plan की गई income और खर्च को आय और व्यय को जो है next 5 year के लिए plan किया गया बहुत ही आसान था। पर जो plan की गई वो दो तरह की planning की गई, उसको दो भाग में divide किया गया plan को, planned and non-planned budget, नियोजित और गैर नियोजित योजना। प्लान बजट दैट इज स्पेंड ऑन अ 5 ईयर बेसिस एज पर द प्रायोरिटीज फिक्स्ड बाय द प्लान। जो प्लान बजट था उसमें 5 साल के लिए जो भी प्लान किए गए थे जो प्रायोरिटीज थी उसको जो है उसको प्राथमिकता दी गई उस प्लान के अंतर्गत। नॉन प्लान बजट दैट इज स्पेंड ऑन अ रूटीन आइटम्स ऑन अ ईयरली बेसिस, एक साल में जो भी रूटीन आइटम्स होते हैं उसमें जो भी खर्च करेंगे वो नॉन प्लान बजट के अंतर्गत रखा गया। 5 ईयर प्लान थे उसने बहुत बड़ा लाभ दिया सरकार को इस मायने में कि जो भी उसके सामने बहुत बड़ी जो तस्वीर थी और जो इकोनॉमी थी उसको लंबे समय के लिए वो इकोनॉमी को इन्वेस्ट उसमें कर सकती थी। द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड देन द एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट रिलीज इन दिसंबर 1951। जो भी ड्राफ्ट था 5 साल के प्लान का 5 ईयर्स प्लान का वो और उसको जो है 1951 में रिलीज किया गया और उसी वर्ष जो है एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया गया। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एकेडेमिक्स, जर्नलिस्ट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, पॉलिटिशियंस एक्सेट्रा डिस्कस्ड एंड डिबेटेड द डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंसिवली। ये लोग जो थे इन्होंने डॉक्यूमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया, गहन डिस्कशन शुरू हो गया। जो भी शिक्षित लोग थे, जो भी जर्नलिस्ट थे, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फार्मर्स थे, इन लोगों ने डिस्कशन शुरू किया। अब हम बात करते हैं द फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। पहला जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो क्या थी? द फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है इकोनॉमी में पॉवर्टी को एलिमिनेशन करने की बात कही गई कि इसमें जो है गरीबी को दूर की जाएगी। ये जो प्लान था 1951 से 1956 तक चला। के एन राज ए यंग इकोनॉमिस्ट इन्वॉल्व्ड इन ड्राफ्टिंग द प्लान आर्ग्यूड दैट द इंडिया शुड हैज टेन स्लोइंग फॉर द फर्स्ट 2 डिकेड्स एज अ फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट माइट इनडेंजर डेमोक्रेसी। के एन राज जो सबसे युवा अर्थशास्त्री थे उन्होंने इसे ड्राफ्ट करने में प्लान करने में अहम भूमिका निभाई थी और उनका यह मानना था कि अगर हमने 2 साल में इसको इसके डेवलपमेंट की रेट को अगर फास्ट करा तेज करा तो हमारी डेमोक्रेसी जो है खतरे में पड़ जाएगी, तो इसी वजह से उसे स्लो रखा गया। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एड्रेस्ड मेनली द एग्रीगेशन सेक्टर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरीगेशन। जो पहला 5 ईयर प्लान था उस पर मेन जोर दिया गया किस पे? कृषि पे, क्योंकि कृषि क्षेत्र बहुत ही इग्नोर हुआ था हमारे पार्टीशन की वजह से भी और उससे पहले भी अंग्रेजों के समय भी, तो उस सेक्टर की डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा नीड थी तो सबसे पहले उस पर ध्यान दिया गया। देन ह्यूज एलोकेशंस वर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लाइक द भाखरा नांगल डैम जैसे प्रोजेक्ट भी जो है वो बनाने की बात की गई, उस पर इन्वेस्ट करने की बात की गई। प्लान के समय ये देखा गया कि जो एग्रीकल्चर ग्रोथ में जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है, यहाँ पर जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उसकी वो बहुत बड़ी बात है, तो उसको रिफॉर्मेशन की बात की गई, तो इस पर फोकस किया गया लैंड रिफॉर्म्स पे। दूसरी बात है कि जो हमारे प्लानर्स थे, जो हमारे जो उसका एम था वो क्या था कि मनी सेव की जानी चाहिए, क्योंकि भारत में जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ही लिमिटेड थे और उस रिसोर्सेज को यूज करने की बात की गई, लेकिन साथ में अपने जो है मनी को अपने पैसे को बढ़ाने की बात की गई, तो इसके लिए मनी को सेव करने की बात की गई। बट द बेसिक लेवल ऑफ स्पेंडिंग वॉज वेरी लो इन द 1950s, इट कुड नॉट बी रिड्यूस एनी मोर, सो द प्लानर्स स्टार्ट टू पुश सेविंग्स अप। उन्होंने जो हमारे रिसोर्सेज से लिमिटेड थे तो हम उसे बढ़ा नहीं सकते थे, पर उसमें बचत की बात की गई कि हम अगर बचत करेंगे तो हम आगे और इन्वेस्ट अच्छे से कर पाएंगे।
People's savings did rise in the first phase of the plan for process until the end of the third 5-year plan, but the rise was not as spectacular as was expected at the beginning of the first plan letter from the early 1960s till. क्या हुआ तो पहले के तो प्लान्स में जो है वो सेविंग्स की अच्छी तरह सेविंग की गई, बात की गई, लेकिन बाकी के 1960 के बाद ये जो प्रक्रिया है बहुत ही स्लो हो गई और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया थी वो स्लो हो गई और ये कब तक रही 1971 तक ये धीमी प्रक्रिया कायम रही। देन चैप्टर के इसी पार्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चंस दिए गए यहाँ पर, वो आपको आज के असाइनमेंट में इसको सॉल्व करना है और इनमें जो है 6 क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करिए असाइनमेंट के रूप में, ओके। और बाकी के चैप्टर की बात हम दूसरे वीडियोज में करेंगे। थैंक यू।